Okay, so I will share a screen with you. Can you see the screen? Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. So this is what we talked about in last class and also this example.com. All right. There are some new files in the directory. If I do git status. I will be able to see those files. So, first one is form.html. I think there is some modification in that file. If I write like this, I can see how much change is there. But we didn't talk about form in this class, so don't worry. I will just add this form. That's how you add something. Then you can commit something like this get commit hyphen m add drop down inform. So, this is one commit. Another commit is about index page. So, if you want to see what is there in index page, this is the thing that I talked about in my previous class today, but that was in 6M. I will commit it as well. Git commit index.php. Again I need to write sudo. Git commit. Process form input using php so again same mistake i always forget this thing now we don't have anything here or if you want me to push this example also i will put push this thing git git add dot sudo git commit Example.com Modify. So I'm pushing everything. You can go to my page, GitHub page, and see all those changes. It's saying something, so everything is up to date now, right? So let's do one thing we are going to talk about form today, so I will make it form two. You don't know about form, right? Do you know what is form? Yes, sir. What is form? Sir, form, uh, through forms you can accept details of the user. Uh, mm -hmm. through, uh, text fields so there's sir, radio buttons So them, check boxes. Mm -hmm. Okay, lists, good. Very good. Uh, or, sir. काफी कुछ बता दिया आपने इतनी सारी चीजें होती हैं राइट ये ये। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको कि क्या-क्या होता है तो अगर हम दिखाऊपोल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हमारे पास मान लीजिए एस फॉर्म में क्या क्या चीजें हो सकती हैं जैसे आपने मान लीजिए यूजर नेम लिखा और पासवर्ड फील्ड लिखा तो यूजर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है और पासवर्ड आपको यहाँ फिल करना है उसके नीचे एक बटन है जो कि सबमिट का बटन है ठीक है तो एक तरीके से ये वाला जो फॉर्म है दिस इज लॉग इन फॉर्म राइट आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे किसी ने यूजर नेम फिल किया मान लीजिए मैं अपने अपना नाम फिल करता हूँ और अपना पासवर्ड डालता हूँ मान लीजिए वन टू थ्री तो अभी लॉग इन फॉर्म प्रोसेस होगा कहीं पे जहां मान लीजिए कैसे प्रोसेस होगा कोई बता सकता है थोड़ा क्या प्रोसेस होती है इसके पीछे प्रोसेस होने के पीछे कैसे होता होगा प्रोसेस मैंने स्क्रीन शेयर की सर है क्या डेटाबेस मैंने स्क्रीन शेयर हुई है ना अच्छा, यस सर हो रही कैसे हां कि क्योंकि ये वाला सब भूल जाता हूं मैं ऐसा डेटाबेस है पीछे ठीक है ये डेटाबेस है इसमें मान लीजिए हमने यूजर नेम और कुछ पासवर्ड की कुछ टेबल्स ऐसे हैं यहां पे तो मैंने यहां पे दीपक होना चाहिए यहाँ पे वन टू तो थ्री होना चाहिए वन टू तो थ्री कोई जरूरी नहीं कि इस फॉर्म में लिखाओ ये कैसा हो सकता है एनक्रिप्टेड हो सकता है एनक्रिप्टेड जानते क्या होता है yes, sir. Encryption yes, sir. और डिक्रिप्शन सुना होगा आपने ना yes, तो जैसे मान लीजिए वन टू थ्री है तो किसी और फॉर्मेट में हो सकता है एक मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ एनक्रिप्शन देखो कैसे होता है एक एमडी फाइव इंक्रिप्शन सुना है आपने एमडी फाइव इनक्रिप्शन जैसे आपको वन टू थ्री एनक्रिप्ट करना है एम डी फाइव से तो इस पर लिखेंगे आप इस पर करेंगे क्लिक ये देखो ये है ऐसे सेव होगा ये पकड़ पाओगे फिर की क्या है ये नो सर तो बस ऐसे सेव होता है आपका पासवर्ड वन टू थ्री नहीं होता ठीक है तो जैसे आपको मान लीजिए आपने फेसबुक डॉट कॉम पे कोई आपका यूजर नेम है और कोई पासवर्ड डाला आपने जो मान लीजिए आपने पासवर्ड डाला कोई एक बच्चा बताओ अपना नाम बताओ अपना जल्दी से बताओ अपना नाम बताओ कोई भी एक आकाश एक। आकाश ठीक है आकाश ठीक है और तुम्हारा पासवर्ड है मान लीजिए पाताल ठीक है आकाश पाताल अब तुमने पासवर्ड ये रख दिया तो ये पासवर्ड पहले क्या होगा एम से कोई जरूरी नहीं कि एम डी हो पर मैं ये बता रहा हूँ आपको मान लीजिए एम डी है सपोज ठीक है वैसे और भी है एनक्रिप्शन SHA होता है एस एच ए टू ठीक है ये ये भी होते हैं एस एच ए तो इसमें आपने कोई मान लीजिए लिखा देख रहे हो कितना बड़ा बन गया और ये था इससे थोड़ी छोटा था अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल दू, ये देखो ये कितना छोटा था उसको डबल है पूरा ये डबल कैसे हुआ ये पता चल रहा है डबल हो गया है ना तो इसकी की की लेंथ डबल है तो साफ 256 ज्यादा अच्छा है इससे md5 से पर अभी मान लीजिए इसको देखिए और हम ये मान के चलते हैं कि md5 में आपका पासवर्ड स्टोर होता है तो क्या facebook को पता होगा आपका पासवर्ड क्या है ये सिंपल सा क्वेश्चन है पहले तो नहीं तो facebook को पता नहीं होगा आपका पासवर्ड क्या है

मतलब मैंने कंप्लेन की थी उस पर फेसबुक से ऑप्शन मतलब गूगल में जाके आता है ऑप्शन सर नहीं नहीं ऑप्शन क्या आता है उसने आपको पासवर्ड दिया न, बता के उसने पासवर्ड बताया आपको नो no, सर पासवर्ड नहीं बताया बट कंफर्म uh, किया था चीजें क्या क्या जो मैं बता थी आपकी डिटेल कंफर्म की होंगी ना कि आपका नाम ज्योति है आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपकी और बाकी चीजें यस सर यस सर तो आपको कैसे पता चला कि पासवर्ड उनके पास स्टोर है सब so, उन पे तो इंक्रिप्टेड डेटा जाता है ना कुछ भी डालेंगे अगर हम्म ये तो जानना चाह रहा हूं तो वो खुल गया था पता नहीं वो कैसे खुला अच्छा जैसे ये बताओ जैसे ये बताओ आकाश है जो जोتي आपसे पूछ रहा हूं ठीक है जैसे आकाश लिखा हुआ है इसका नाम आकाश है और उसने पासवर्ड डाला पाताल तो पाताल सेवों का उनके पास ये सब पता नहीं, सर, नहीं सेफ होगा उसका कोई दूसरा फॉर्म पता नहीं सर मुझे एनक्रिप्टेड होगा बोला तो इस बच्चे ने भी हाँ। क्या नाम है इसका जिसने बोला कौन बोल रहा है वे बोल था कौन बोल रहा था आकाश 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 बोल रहा था आकाश तुम बताओ पताल सेव होगा या उसका एनक्रिप्टेड वर्जन सेव होगा एनक्रिप्टेड सर अच्छा मान लो तुम भूल गए अपना पासवर्ड और तुम मार्क जुकरबर्ग के पास गए तुमने कहा कि सर मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ मुझे प्लीज मेरा पासवर्ड बता दो तो बता देगा वो तुम्हें नहीं सर क्यों सर वो तो डिटेल्स के थ्रू वो कर सकते हैं बट पासवर्ड सर हम फॉग हम्म बोलो 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 ज्योति क्या बोल रहे हो गेट पासवर्ड भी तो करते हैं सर हम्म फॉरवर्ड पासवर्ड करते हैं सर हम्म हम्म बोलो

ठीक है अब अमोलू तुम्हें याद है चुपचाप से तुमने झूठ झूठ बोला उसे तुमने लिखा पता पाताल तुमने कहा मेरे को यार याद नहीं आ रहा है तो बता सकता है वो और अगर फेसबुक का मालिक ही नहीं बता पाएगा फिर और कौन बता पाएगा उनके पास तो पूरा एक्सेस होगा हर चीज का पंकज बताओ क्या सर सर नहीं बताएगा शायद सर उस फिर सिक्योरिटी के सर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा कि हमारा पासवर्ड भी सिक्योर नहीं है कंपनी वो कर रही है सिक्योरिटी की चिंता मत करो तुम सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए गए हैं उनको पता है कि तुम ही हो जिसका फेसबुक अकाउंट है वो उनको पता है वो और तुम चाहते हो कि तुम्हारा पुराना पासवर्ड तुम्हें दे दिया जाए तो क्या दे सकता हो सर शायद वन वे होगा कि MD5 से वापस पासवर्ड नहीं बनता हो ओके शायद ऐसा होगा ओके गुड सर अगर उनके मतलब वो खुद डिक्रिप्शन कर रहे हैं और उनके पास डिक्रिप्शन की की है तो हुँ. तो मतलब वो जान सकते हैं बट अगर वो किसी थर्ड पार्टी को कर रहे हैं जो कि उनका मतलब देख नहीं सकता कि क्या कैसे इनक्रिप्ट करा है या कोई हिडन प्रोसेस है इनक्रिप्ट एम डी फाइव तो पूरी वो है ना क्या बोलते हैं क्या बोल सकते हैं एम तो मतलब नोन एल्गोरिदम है ना हम्म तो सर उसका रिवर्स नहीं होता होगा क्या पता मतलब वो भी नहीं हो सकता मतलब रिवर्स नहीं हो सकता हुँ। hmm. हुँ, बिल्कुल ये एक्चुअली एनक्रिप्शन है ये लेकिन ये हैशिंग बोलते हैं इसे ठीक है एमडी फाइव इज हैशिंग इट्स नॉट एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक एम फाइव या जो ये सा टू फिफ्टी सिक्स है दीज आर हैसिंग एंड हैसिंग इज वन वे जो बच्चे आप बोल रहे हो दैट्स करेक्ट कि वन वे होता है अगर ये एनक्रिप्शन पासवर्ड एनक्रिप्ट तो हुआ है ठीक है बट अगर ये एनक्रिप्शन की एलग्रदम होती ठीक है तो इस टाइप की एल्गुरदम टू वे होती है मतलब आप एनक्रिप्शन सेक्रिप्ट अगर आपने कर दिया तो डिक्रिप्ट भी कर सकते हो और डिक्रिप्ट कर दिया देक्रिप्ट भी कर सकते हो यानी कि अगर वन टू थ्री का कुछ और बन गया मान लीजिए एबीसी बन गया वन टू थ्री का ये इनक्रिप्शन है अगर आपको एल्गोरिदम पता है तो आप इसको एबीसी से वन टू थ्री भी वापस बना सकते हो कई बार आपने एप्टीट्यूड में क्वेश्चन देखे होंगे अगर ए को सी लिखा जाए बी को डी लिखा जाए तो के एल को क्या लिखा जाएगा ऐसा सुना है ना कभी क्वेश्चन देखे ऐसे में आते हैं ठीक है तो जो भी बना मान लीजिए एन हो गया कुछ बना तो उसको वापस भी तो ला सकते हो आप अगर आपको पता है, आपको पता है ना कि ए में हमने एक एक छोड़ दिया मान लीजिए बी छोड़ दिया, यानी कि हमने टू ऐड किया ऐसे तो हुआ कुछ? बी में ऐड किया, तो ये आ गया यही हुआ सर। yes, तो इसका मतलब अगर कोई भी चीज बनती है मान लीजिए टू लेटर्स बने हमारे यहाँ पे वो टू लेटर कुछ भी हो सकता है तो इन टू लेटर्स में अगर हम ये पहले वाले में माइनस टू कर दें दूसरे वाले में माइनस टू कर दें तो बन जाएगा ना नया जो पुराना था यस yes, सर। लेकिन हैसिंग में ऐसा नहीं होता हैसिंग में क्या होता है एक ही तरफ का होता है अगर वन टू थ्री से ये बना जो अभी आपको दिखाया था वन टू थ्री डाला और ये बना ना यहाँ पे ये वाली चीज तो ये हैसिंग बनी हुई है एक्चुअली अब ये क्या है इससे वापस आने का कोई तरीका नहीं है ठीक है यस सर यस सर वैसे देखो हम एचटीएमएल फॉर्म पढ़ रहे थे लेकिन हम कहाँ कहाँ पहुंच गए पर कोई दिक्कत नहीं है ये समझना भी जरूरी है आपके लिए सर हां बोलो सर डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि ये हैशिंग है और एनक्रिप्शन है वो तो एल्गोरिथम है ना ऑलरेडी फिक्स है कि ये हैशिंग एल्गोरिथम है और ये वाली uh, सर, encryption... देख के कुछ नहीं पता चलेगा ओके सर 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 बोलो सर जैसे अभी आप आपने दिखाया ना कि वन टू थ्री का ये है मतलब जो भी इतना बड़ा कोड था आ, और सर अगर मतलब मतलब अगर वही सर पता नहीं मैं वही पूछा तो सर अगर मान लो मैं वन टू थ्री वापिस लग रहा हूँ तो वही सेम कोड आएगा या अलग हो जाएगा बिल्कुल वही आएगा देखो ये देखो मैं सेव करके रखता हूँ इसको यहाँ पे कर देते हैं सेव ठीक है हां सर मैं पूरी वेबसाइट पूरी रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार ठीक है हट गया हां सर तो इसको तो छोड़ो तुम दूसरी वेबसाइट ले लेते हैं ठीक है md5 md5 एन्क्रिप्शन लो पहले वाला ये खोला था हमने अब किसी दूसरे को ओपन करते हैं इसको करते हैं 1 2 3 जनरेट करते हैं या या? ये आया यस सर हाँ हो सकता है कोई दूसरी वेबसाइट कोई एल्गोरिथम यूज कर, चेंज कर रही हो मान लीजिए लेकिन उसमें तो वही आएगा एटलीस्ट और देखो इसमें भी वही आया क्योंकि एल्गोरिथम है वो पूरी मतलब हम ये सोच सकते हैं कि हो सकता है दूसरी वेबसाइट में कुछ और आ जाए हाँ राइट एक और देख लेते हैं खोल के उठा लेते हैं पीएचपी का यहां से यहां पे कुछ चेंज करते हैं एम फाइव एस टी आर में इसने क्या डाला हुआ है हम वन टू थ्री डाल देते हैं ठीक है रन करते हैं। बताओ, सेम है? यस सर सर हर जगह सेम आया ठीक है और पूछो और कौन? जो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला होता है उसमें अलग आता होगा ना पर उसमें अलग एल्गोरिथम लगती होंगी तो उसमें उसमें तो दोनों साइड की लगती है ना उसमें तो ट्रैक रहता है कि क्या किया हमने ट्रैक तो इसमें भी रहता है क्या किया है, लेकिन वहां से वापस लाना मुश्किल हो जाता है अब okay. इसका क्या, इसका क्या प्रोसेस है ये ये आप एग्जैक्टली exactly डिटेल में पढ़ लेना ये तो मैं यहां पहुंच गया गलती से हमें यहाँ पहुंचना थोड़ा ना था पढ़ाते पढ़ाते ठीक है yes, ये ये आप इसके लिए अच्छा होमवर्क है आपके लिए आप देखना कि कैसे हैसिंग वाली एलगोरिदम काम करती है और कैसे आपकी डिक्रिप्शन वाली एलगोरिदम काम करती है एक्चुअली ऐसा समझ लो हैसिंग वाली एलग्रिदम कुछ ऐसे काम करती है जैसे मैंने बोला वन टू थ्री से कुछ बनाना है तो कई राउंड होते हैं ठीक है कई राउंड में क्या होता है पहले राउंड में मान लीजिए ऐसा कुछ टेक्स्ट जनरेट जेन, हुआ बत्तीस बिट का तो हम क्या करेंगे इसमें से कुछ पार्ट छोड़ देंगे हम बोलेंगे फेंको इसको फिर ये बना फिर इससे कुछ हम बोलेंगे कि बत्तीस बिट का और बनाओ फिर यहाँ से कुछ कोई रेंडमली कोई पार्ट लेंगे कि अब इतना वाला पार्ट इसको रिमूव कर दो इस तरीके से चीजें होती हैं तो जब चीज़ें रिमूव हो जाती है ना तो वापस लाना उनको मुश्किल हो जाता है ऐसा समझो अभी अभी के लिए कि उसमें से कुछ कुछ फोर्सर हम इधर उधर करते रहते हैं लेकिन इनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में ऐसा नहीं होता जो हमारे पास चीजें होती हैं वो पूरा सेव रहता है हर चीज तो इसीलिए जैसे हम आगे की तरफ बढ़े वैसे ही पीछे की तरफ भी वापस आते हैं जैसे आप सोच लो कि आपने चाय पत्ती ली चीनी ली दूध लिया पानी लिया और चाय बना दी एक तरफ तो चले गए वापस आ सकते हो वहां से चीनी निकाल दोगे उससे ये चाय पत्ती वापस ऑप्शन निकाल लोगे वैसे नहीं निकाल पाओगे ना यही समझो बस क्यों एक वन वे प्रोसेस है एक टू वे प्रोसेस है राइट right? सर, हाँ सर पासवर्ड वाला सिस्टम कैसे काम करता है मतलब जब हाँ, बिल्कुल हमने... बहुत अच्छी बात है आपने ये पूछा अब देखो क्या करते हैं हम अगर जैसे आपके डेटाबेस में क्या सेव होगा पहले बताओ जब वन टू थ्री लिखा तो क्या सेव होगा सर वो जो कोड सर आपने ये सर राइट तो आपने ये सेव कर लिया फॉरवर्ड पासवर्ड में आपने क्या किया आपने पासवर्ड भूल गए अब वो ऑथेंटिकेट कर रहा है आपको आपने बोला मैं पासवर्ड भूल गया तो उसने आपसे और चीज और डिटेल पूछी राइट right? yes, तो जैसे उसने और डिटेल पूछी तो उसको पता चल गया कि वो आप ही हो क्योंकि बाकी डिटेल भी तो डेटाबेस में होंगी आपका नाम यूजर नेम वगैरह वगैरह सिक्योरिटी क्वेश्चन तो वो ये मान के चल रहा है वो सब इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किसी और तीसरे आदमी को नहीं पता है बात समझ में? ओके okay, सर। तो अब आपने तब तो उसने बोला अच्छा ठीक है ये तो बंदा तो वही है लेकिन ये बेचारा में भूल गया है, तो उसको वहां डाल दिया ऐसे उसने वो उठाया और वो डेटा में सेव कर दिया लो तो अब बिल्कुल बदल गया देखो वन टू थ्री से फोर फाइव सिक्स किया तो कितना अलग है पता भी चल रहा है कुछ की वही होगा लेकिन ये जो बिट दिख रही है आपको वही है सेम ठीक है ओके यस बट सर वो टेंपरेरी पासवर्ड भी तो देता है मतलब हमें कोई कोड देता है जिसे हमें पासवर्ड में रखना होता है टेंपरेरी पासवर्ड नहीं, नहीं वो तो वो तो आपको भेजता है ना यस yes, सर फिर उसके बाद हम चेंज करते हैं ना फिर बच्चे वो तो आपको वो तो आपको जानता है देखो ये 128 बिट्स है ठीक है सॉरी ये 128 बिट्स है कैसे दिख रही है आपको

30, 31, 32, ऐसे ही कुछ है, एक गिनने में गलती हो गई है 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 ठीक है? 128 नहीं लेकिन कैसे होंगी ये 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 तो बोला, 128 बिट होता है। ये देखो पे भी सर्च किया मैंने इसने बोला कि MD5 की जो बिट लेंथ होती, 128 बिट होती है है ना बाकी ना बाकी गायब हो जाते होंगे कोई बता सकता है ये 132 क्यों नहीं है अच्छा पहले बताओ, है आपको बाइनरी जानते हो बाइनरी क्या होता है यस yes, सर क्या Zero होता है जीरो वन होता है ना यस yes, सर तो इनसे तो बिट्स बनती है ना यस yes, सर तो इन में कहाँ दिख रही है आपको जीरो वन दिख रही है जीरो वन इसमें तो पता नहीं क्या क्या है सर ये बाइट्स बाइट <laughs> है अरे बाइट्स सर इसमें एबीसीडी भी है एबीसीडी भी है बाइनरी फॉर्मेट है कि नहीं है बताओ इंटू फोर कर देंगे तो आ जाएगा हाँ, तो वो तो बात आपकी बिल्कुल सही है पर ये गुड ठीक है, yes. है? है, है? इसीलिए चार का मल्टीप्लाई करके निकल जा रहा हो। तो 128 है वो बिट्स हैं अगर बिट्स में लिखोगे तो आ जाएगा ठीक है यस yes नो no? yes, hmm. yes, अब ज्योति ने क्वेश्चन पूछा था ज्योति ने कहा था कि फॉरवर्ड पासवर्ड का भी तो होता है कुछ मान लीजिए एक टेबल बनी हुई है एक में तो उसने यूजर नेम और पासवर्ड रखा हुआ है ठीक है जैसे ज्योति रखा हुआ है और जे वन टू थ्री रखा हुआ है तो जे वन टू थ्री एक्चुअली कैसा होगा इसका हैश निकाल के रखा होगा यहाँ पे और एक ऐसी और भी टेबल्स होंगी जिनके अंदर आपकी और डिटेल्स होंगी जैसे आपकी आईडी मान लीजिए ठीक है आपका नेम या यूजर नेम यहाँ से हो सकता है यही सेम हो उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ उसके बाद आपकी ई मेल कुछ और भी ऐसी टेबल्स हो सकती हैं जिसके अंदर आपकी आई के साथ और भी चीजें लिंक हों जैसे सिक्योरिटी क्वेश्चन सिक्योरिटी क्वेश्चन वन उसका आंसर फिर ऐसी और भी हो सकता है सिक्योरिटी क्वेश्चन टू उसका आंसर ऐसे सिक्योरिटी क्वेश्चन थ्री और उसका आंसर ऐसे हो सकते हैं ना तो जैसे फॉरवर्ड पासवर्ड किया तो उसने बोला कि आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन वन ये था इसका आंसर बताओ तो आपने बताया आंसर तो जैसे ही उसने देखा अच्छा आंसर ये है चलो ठीक है ये बच्चा है ये यही है फिर सेकंड पूछा उसने आपने कहा ये है उसने कहा चलो गुड उसने थर्ड पूछा आपने बोला ये है उसने कहा चलो ठीक है ये इंसान तो वही लग रहा है जिसका पासवर्ड भूल गया है लेकिन ये बेचारा सच में भूल गया है अब वो आपका फोन नंबर निकालेगा किसी डेटाबेस से ठीक है उसमें आपको ओ भेजेगा वो बोलेगा ओटीपी आ गया तो ये एंटर करो पहले वो देखेगा जो ओटीपी मैंने भेजा है और जो इसने एंटर किया वो दोनों सेम है तो वो बोलेगा अच्छा ठीक है ये बहुत अच्छी बात है अब वो आपको एक लिंक देगा पासवर्ड जनरेट करने के लिए ठीक है पासवर्ड जनरेट करने के लिंक दिया आपने उस पर क्लिक किया वो बोलेगा यहाँ पे नया पासवर्ड डालो तो वहां पे आप न्यू पासवर्ड डालेंगे अब फिर उस पासवर्ड का क्या होगा हैश निकलेगा और उस हैश को फिर से यहाँ पे सेव कर देगा वो अब इसको हटा देगा वो बोलेगा ये नहीं है यहाँ पे न्यू पासवर्ड आ जाएगा आगे बात समझ में क्या होता है तरीका यस सर यस तो वो क्या कर रहा है वो नए जो पुराना पासवर्ड है उसको ओवरराइट कर रहा है वो ठीक है उसको पता नहीं है आपका पासवर्ड क्या है yes, <coughs> अच्छा ये बताओ जब पासवर्ड हमें किसी को पता किसी को भी पता नहीं होता आपका तो हैक कैसे हो जाता है फिर सिस्टम कौन बताएगा आप बताओ जब पासवर्ड किसी को पता ही नहीं है मार्क जुगर तक तो को पता नहीं है आपका पासवर्ड तो है कैसे होते हैं आपके सिस्टम फिशिंग सर डेटाबेस में स्टोर होता है ना अरे किसने बोला ये रिया अभी तो समझाया था तुम्हें पर डेटाबेस में कोई देख तो नहीं पाता ना फिशिंग कुणाल बोल रहा है ब्रूट फोर्स वेरी गुड ये फिशिंग कौन बोल रहा है फिशिंग किसने बोला सर मैंने आकाश ने आकास बोला ठीक है और कोई तरीका फिशिंग से और कुनाल मतलब पुणगा? अगर अगर मतलब जैसे ओटीपी आता है तो एसएमएस जो होता है हमारे मोबाइल पे वो तो एनक्रिप्टेड होते नहीं है तो अगर कोई एसएमएस के थ्रू हमारा ओटीपी रीड कर सके तो वो कर लेगा ठीक है ठीक है मतलब बहुत सारे तरीके हैं ठीक है सबसे आसान तरीके ये देख लो हम सबसे आसान तरीके की बात करते हैं सबसे आसान तरीका ना जो भी हैकिंग का होता है वो सोशल इंजीनियरिंग होता है इसमें क्या होता है ये एक्चुअली हैकिंग है भी नहीं एक तरीके से देखा जाए पर सबसे खतरनाक चीज यही है जैसे, जैसे रिया आपकी दोस्त कौन है क्लास में है कोई ज्योति ज्योति आपका दोस्त है तो अब मान लीजिए आप पासवर्ड डाल दी ज्योति ने पीछे देख लिया पासवर्ड ठीक है तो इसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग या जो, जो मान लीजिए ज्योति को आपके बारे में सब पता है तो वो गेस्ट कर सकती है कि अच्छा ये लड़की इस टाइप के पासवर्ड डाल सकती है जनरली हम जो पासवर्ड रखते हैं पासवर्ड किस टाइप के होते हैं कुछ कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ रख लेता है कोई अपनी मे बी कोई दूसरी ईमेल आईडी रख देता है कोई अपने घर के एड्रेस पे या कुछ इस टाइप की चीजें हो सकती हैं क्योंकि हमको लगता है कि उसको याद करना आसान है

तो जब आपका पासवर्ड जहां पे भी सेव होता है जैसे मैंने ये बताया था यहाँ पे तो ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है हैश निकालते हैं इसका फिर सेव होता है जैसे वन टू थ्री का ये होता है कहां पे है ये ये वन टू थ्री का है यहाँ पे देखो तो अब जब किसी ने वन टू थ्री एंटर किया तो एक्चुअली पहले उसका हैश निकाला जाएगा समझ रहे हो बात को कि पासवर्ड कैसे मैच होता है डेटाबेस में जब आप लॉग करते हो कहीं पे तो मान लीजिए आपने वन टू थ्री डाला तो पहले उसका हैश निकलेगा और उस हैश को मैच किया जाएगा जो ऑलरेडी वहां पे हैश स्टोर्ड है आरी बात समझ में? अगर वो हैश मैच कर गया तो इसका मतलब आप वही इंसान हैं जिसको जिसका वो पासवर्ड है ठीक है सर। yes, क्योंकि सिस्टम को तो सिर्फ इतना पता है कि हैश ही आना चाहिए आपने डाला वन टू थ्री उसका हैश निकला ये वाला तो उसने देखा अच्छा ये तो मैच कर रहा है यार इसका मतलब वही यूजर है तो ऑथेंटिकेट कर देगा आपको पर गलती से आपने मान लीजिए वन टू थ्री की जगह टू थ्री फोर डाल दिया तो हैस ये निकलेगा वो मैच करेगा वो बोलेगा ये तो मैच नहीं कर रहा है वो कहेगा पासवर्ड डज नॉट मैच राइट ये बात आ समझ सर हम वो रियल टाइम में देख सकते हैं क्या कन्वर्ट होते हुए मतलब जैसे अभी मैं वन लिख रहा हूँ फिर टू लिखूंगा तो वन लिखने के बाद वन का पार्ट इसमें इस जो वन टू थ्री वाले में वो मिलेगा हमें नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है वन का अगर आपने लिखा तो लो वन का ये आ गया ठीक है ये वन का निकलेगा देखो ये निकला लेकिन आपने अगर वन टू लिख दिया तो वो बिल्कुल ही अलग आ जाएगा जैसे ये वन का है सिर्फ ठीक है वन टू का देखो अभी क्या आता है देखो वन टू का ये वन टू का है आपको पता भी नहीं चलेगा कि वही है कि कुछ अलग हो गया देखो मिल भी रहेगा कहीं बीच में एक बार भी सर हमने सर जैसे हम मूवीज में देखते हैं तो अरे मूवी जब तुम मत देखा करो ज्यादा सर मतलब नहीं सर मतलब <laughs> मैं बता रहा हूँ एक वे होता है, है ना सर क्रिप्ट होने का कि जैसे एरे में कोई पासवर्ड डाल दिया मतलब हर हर एरे में एक एक पासवर्ड का हर एक लेटर हो और वो जैसे हर फर्स्ट जैसे फर्स्ट एरे के बिट में वो हर वैल्यू डालेगा जैसे ए बी ए की पूरी वैल्यू और वन टू थ्री सारे ट्राई करेगा फिर वो मैच करके ऐसे ऐसे करके हर वैल्यू को ऐसा कुछ होता है क्या सर मतलब सर समझ गए आप क्या बोल रहे हो ना बोलो फिर से सर मतलब जैसे एक पा, पासवर्ड हमने कोई भी डाल दिया सर जैसे मैंने पंकज वन टू थ्री डाल दिया उसमें एक है. पी कैपिटल है और सर आ, मतलब और वो बंदा क्या कर रहा है कि जैसे उसने कोई भी एल्गोरिथम बनाया और उसमें पहला बिट है मतलब एरे में डाल दिया उसने पासवर्ड कहीं से निकाल लिया जो भी कैसे भी करके पर उसको पता नहीं है वैल्यू नहीं पता पर वो चेक कर सकता है कि जैसे मैंने पी डाल दिया मतलब वो सिस्टम सारी वैल्यू जैसे सर ए बी सी डी और वन टू थ्री हो सकता है और कुछ एट द रेट ये सब डाल के तो वो सिस्टम सारे वैल्यू फर्स्ट फर्स्ट बिट में डालेगा फिर एक मैच हो जाएगी फिर सेकंड बिट में जाएगा सारी वैल्यू चेक करके नहीं, ऐसा ही हो जाता क्या बात थी वही सर फिर तो ब्रेक करना आसान नहीं हो नही जाता कि एक का मैच कर लो और हर बार वन का सेम ही नहीं आ जाएगा फिर तो है ना अब खुद ही सोचो ना ये देखो यहाँ पे ये ऊपर वाला वन का है ये वन टू का है ये वन टू थ्री का है क्या मैच हो रहा है सर ये तो सिर्फ हैशिंग की बात होगी मतलब अगर आप इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वगैरह तो उसमें तो यही होता होगा ना कोई जरूरी नहीं ना वेलगोरिथम पे डिपेंड करता है अरे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी तो किसी चीज को सेफ रखने के लिए बनाई गई है उसको भी इतना अगर बना देंगे बिल्कुल जो किसी काम की नहीं है और ऐसे गैस कर दिया किसी ने अच्छा ठीक है वो उनका ये टू का ये तो फिर तो उसकी भी क्या बात रहेगी हाँ? सर गेस नहीं कर रहा है, मतलब वो सारी ठीक है ट्रिपल डी एस ये सबसे जबरदस्त एल्गोरिथम है अभी तो तक टाइम टू ब्रेक ट्रिपल डी एस ठीक है इसको देखते हैं कितना इसको कितना टाइम लग सकता है ब्रेक करने में राइट देखते हैं इसका भी आंसर पढ़ते हैं इसके बारे में कहीं लिखा होगा किसी ने वे लेसन नो ये वाला देखते हैं हाउ लॉन्ग टू डिक्रिप्ट एस टू फिफ्टी सिक्स कंप्यूटर अगर सिंगल ले कंप्यूटर ले लेंगे तो ये AES काफी स्ट्रॉन्ग एलगोरिदम है तो इसको ब्रेक करने में कितना लगेगा तो पॉसिबिलिटी देखो कितनी कीज है इतना। इतनी कीज है लगभग ठीक है तो ये कुछ टाइम लगा रहा है इफ योर कंप्यूटर अ बिलियन अ सेकंड मतलब एक सेकंड मगर बिलियन कीज को चेक करता है तुम्हारा कंप्यूटर ठीक है देन इट वुड take... टेक oh ओ माय गॉड इतने इयर्स देख लो भाई ये देखो देख रहे हो हाँ सर ठीक है तो ऐसे आप इसमें बहुत सारे आंसर आपको मिलेंगे ठीक है हाउ लॉन्ग विड इट टेक टू डिक्रिप्ट ए एस टू फिफ्टी सिक्स सिंगल कंप्यूटर अज्यूमिंग दैट यू आर यूजिंग अ वेरी पावरफुल कंप्यूटर क्या चीज है ये तो ऐसे आप बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ते रह सकते हैं तो इतना आसान नहीं है ब्रेक करना ठीक है एल्गोरे ऐसे नहीं होती गैस कर रहे हो और आप सोचो ना जब कंप्यूटर सिस्टम इतना टाइम ले रहा है तो अगर मान लीजिए हम खुद गैस करने बैठ गए तो कितना ब्रे, कितना ब्रेक कर पाएंगे? कर पाएंगे के कभी no, तरीका तो है, है, और... है? है अभी जो आपने कुछ टाइम पहले देखा था ट्विटर के अकाउंट है ध्यान आपको कुछ न्यूज आई थी कुछ टाइम पहले वो कैसे हुआ था पता है आपको वो भी सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू हुआ था किसी एम्प्लॉय से कोई जो भी मतलब किसी एम्प्लॉय के थ्रू हो गया था वो काम जैसे किसी ने किसी से की ले ली या किसी ने पता कर लिया उसके बारे में कोई पासवर्ड उससे देख लिया पर सोशल इंजीनियरिंग था वो सारा अदरवाइज पासवर्ड ब्रेक करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क राइट ये बात सबको समझ में आ गई कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा किसी का अब, अब होना नहीं चाहिए ज्यादा ठीक है क्योंकि ये हम फिर टॉपिक से भटक जाएंगे हम कहाँ से स्टार्ट के देखो हम फॉर्म की बात कर रहे थे एक्चुअली तो आपको क्या करना है अगर लॉग इन करना है तो उसके लिए फॉर्म बनता है अगर साइन अप करना है तो उसके लिए भी फॉर्म बनता है है ना तो आप क्या बना सकते हो एक साइन आप फॉर्म भी बना सकते हो अगर मान लीजिए आपको कुछ यूजर से रजिस्ट्रेशन करवाना है कहीं किसी इवेंट में उससे डिटेल लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे फिर एक फॉर्म बनाएंगे मतलब बहुत सारी जगह आप आजकल गूगल फॉर्म देखते हो जैसे मैंने आपको कुछ डिटेल के लिए भेजा जैसे मैंने बोला था आपको कि आपको अगर ऑफिशियल ईमेल आईडी चाहिए तो मुझे कुछ यूजर डिटेल दो अपनी जैसे मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है मैंने आपसे पूछा आपका एनरोलमेंट क्या है और मैंने आपसे कुछ और भी चीजें पूछी थी मान लीजिए सेक्शन पूछ लिया तो ये सब चीजें क्या है ये फॉर्म में ले रहे हैं हम ये सारा काम फॉर्म के थ्रू हो रहा है तो अब हमें फॉर्म के लिए क्या करना होता है एक ऐसा टैग होता है फॉर्म नाम का टैग इसको बंद किया आपने यहां पे जैसे HTML का टैग ओपन करते हैं तो वैसे ही क्लोज करना पड़ता है वैसे पे क्या है फॉर्म का टैग ओपन किया तो क्लोज करना पड़ता है लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें और होती हैं जैसे एक होता है मेथड नाम की चीज ये मेथड या तो गेट हो सकता है या पोस्ट हो सकता है दोनों में से कोई एक और एक होता है एक्शन एट्रीब्यूट ये एट्रीब्यूट बोलते हैं इनको मैथड को भी एट्रीब्यूट एक्शन को भी एट्रीब्यूट तो कोई भी टैग होता है उसके अंदर ये चीजें लिखी जाती हैं जो इन सबको एट्रीब्यूट बोलते हैं तो एक्शन यहाँ पे हम फिलहाल किसी पेज का नाम डाल देते हैं जैसे ये किसी इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर ये फॉर्म बना हुआ है तो मैंने इंडेक्स डॉट पीएचपी लिख दिया यहाँ पे और फिर इसको बंद कर दिया ठीक है तो इन पे डिपेंड करेंगी बहुत सारी चीजें जैसे मैंने फॉर्म बनाया तो गेट एंड पोस्ट लिखा तो इससे ये डिफाइन होगा या इससे ये डिफाइन होगा हाउ डेटा विल बी सेंड टू सर्वर सर्वर पे डेटा कैसे जाएगा ये चीज डिसाइड करेगी गेट या पोस्ट अगर गेट करेंगे आप तो डेटा ऐसे जाएगा देखो जैसे मैंने खोला गूगल ठीक है और मैंने लिखा जावा स्क्रिप्ट तो यहाँ देखो ऊपर डेटा जा रहा है नहीं बहुत सारा यहाँ पे दिख रहा है आपको जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ दिख रहा है तुम तो क्या हो जाते यार yes, हाँ ठीक है तो इक्वल टू जो जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है या ये सॉरी ये वाला इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ है ये क्वेरी बनी यहाँ पे तो अगर कोई ऊपर ऐसे डेटा ऐसे जा रहा है इसका मतलब ये क्या है ये गेट मेथड यूज हो रहा है राइट लेकिन अगर किसी और तरीके से जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा किसी और तरीके से कैसे जा सकता है लेकिन अगर किसी दूसरे तरीके से जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो पोस्ट मेथड है तो गेट एंड पोस्ट में कुछ डिफरेंसेस होते हैं अगर मैं गेट मेथड की बात करूं और पोस्ट की मेथड की बात करूं तो गेट में क्या होता है डेटा इज सर पोस्ट मैटेड हमें नोड रेड में आईओटी से यूज करवाया था हमें करवाया था गुड तो आप आती है मतलब चीज़ें और इसमें क्या होता है पोस्ट में ये हेडर पे लगा होता है डेटा जो एच का हैडर होता है उसमें डेटा जाता है वो मैं अभी बना के दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे जाता है बट हेडर पे डेटा लगा हुआ जाता है तो इस इसके कारण यहाँ पे जो डेटा भेजना है इनसिक्योर है किसमें गेट में इसमें सिक्योर रहता है डेटा भेजना इसमें लिमिट होती है इस पोस्ट वाले मेथड में कोई लिमिट नहीं होती गेट में आप सिर्फ टेक्स्ट डेटा भेज सकते हैं पोस्ट में आप किसी भी टाइप का डेटा भेज सकते हैं यानी कि मल्टीमीडिया अगर भेजना चाहें तो वो भी भेज सकते हैं आगे बात समझ में यस सर ठीक है तो अब ऐसा करते हैं फॉर्म बनाते हैं इसको हटाते हैं यहां से तो मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ फॉर्म के लिए क्या करना है पहले तो हम एस का टैग बना देते हैं ठीक है और फिर एक हेड बना देते हैं इसके अंदर एक टाइटल भी बना देते हैं जिसमें हम एस फॉर्म्स लिख लेंगे और फिर उसके बाद बॉडी बना देते हैं बॉडी के अंदर अब ये सब चीजें करेंगे जो हम चाहते हैं उसमें पहली चीज है फॉर्म नाम की मैंने मेथड आपको बोला तो मेथड मैंने गेट यूज कर लिया एक्शन में मैं अभी इसी पेज का नाम लिख लेता हूं किसी दूसरे पेज का लिखूंगा तो फिर वहां डेटा जाएगा इस फॉर्म का लेकिन मैं चाहता हूं अभी यही इसी पेज में डेटा रहे ठीक है अब मुझे क्या करना होता है जैसे मैं यूजर user से यूजर नेम लेना चाहता हूं उसका तो मैं ऐसे लिखूंगा यूजर नेम ये डिटेल आएगी उसके सामने ठीक है फिर इनपुट लिखना पड़ता है और इसका टाइप देना पड़ता है टाइप बहुत सारे होते हैं अभी मैं टेक्स्ट टाइप देना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है यूजर का जो नाम होगा वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा ठीक है फिर इसको बंद कर देते हैं इसे और उसके बाद मैं पासवर्ड देना चाहता हूं तो पासवर्ड ऐसे लिखा फिर इनपुट टाइप ही बना इसमें टाइप अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि टेक्स्ट फॉर्मेट का पासवर्ड होगा तो मैंने ऐसे रख दिया ठीक है अब यहाँ पे जाते हैं और ये फॉर्म टू ओपन करते हैं और ऐसा आ गया यूजर नेम एंड पासवर्ड सही है सही है ये yes, यस सर यस सर कोई गड़बड़ सर पासवर्ड थी वो सर रिक्वायर्ड रिकवर्ड वाला रिक्वायर्ड वाला जितना दिख रहा है उसमें बताओ क्या दिक्कत तो है शो हो रहा है पासवर्ड डॉट पासवर्ड डॉट में आना चाहिए वो शो हो रहा है सर वो टेक्स्ट फाइल में पासवर्ड तो आपको इसका टाइप बदलना पड़ेगा सर पासवर्ड ठीक है टाइप बदल के पासवर्ड कर दिया हमने अब इसको रिफ्रेश मारते हैं फिर से अब देखते हैं अब सही है यस सर यस सर ठीक है Yes, अभी एक एक ही लाइन में भी आ रहे हैं तो एक लाइन में आ रहे हैं तो ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे इसको चेंज कर देते हैं चेंज कैसे करेंगे यहाँ पे लिखेंगे अब अब इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं अब सही है एक बार बी आर और डाल देते हैं ताकि ये थोड़ा ज्यादा गैप बन जाए अब सही है यस सर ठीक है अब ये सही लग रहा है कि थोड़ा जरा गैप आ गया इसके बीच में लेकिन अभी क्या दिक्कत है अभी मैंने नाम डाला मान लीजिए वन टू थ्री डाला इसके बाद क्या कुछ ऐसा भी सम्मिट. तो होना चाहिए कि सबमिट कर पाए है ना तो, तो एक बटन बनाना पड़ेगा वो भी इनपुट टाइप की चीज होगी कोई इनपुट टाइप लेकिन उसका नाम होगा सबमिट ठीक है अब देखते हैं आ गया देखो बटन तो सबमिट पे क्लिक करूंगा तो डेटा कहीं चला जाएगा जैसे लिखा दीपक वन टू थ्री सबमिट किया तो डेटा गया कहीं ठीक है अब डेटा कहाँ गया इसका पता करना है हमें अभी दिख भी डेटा जाता हुआ देखो यहां पे अगर आप इंस्पेक्ट करोगे पेज को या नेटवर्क में जाओगे तो यहां भी दिखता है डेटा जाता हुआ तो एक बार ऐसा करते हैं ये क्लियर कर देते हैं जो भी यहाँ पे आ रहा है नई नई एंट्री शुरू करते हैं मैंने अपना नाम लिखा पासवर्ड डाला सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ ऊपर दिख रहा है आपको यू पे डेटा जाता हुआ yes, sir. दिख रहा है कहाँ दिख रहा है डेटा कहाँ है जो भी नाम डाला वो कहाँ है जो पासवर्ड डाला वो कहाँ दिख रहा है आपको जाता हुआ? कुछ भी दिख इसमें नहीं दिख रहा है सर ये ब्लू, ब्लू थी? कौन सी ब्लू लाइन सर ये नीचे इंस्पेक्ट वाले विंडो में अरे कोई नहीं इसको छोड़ो ये, ये अभी कुछ नहीं है इसका ठीक है ये टाइम फ्रेम बता रहा है तो इसको जानने की जरूरत नहीं है अभी, अभी यहाँ दिखेगा डेटा अगर यहाँ गया होगा तो क्या पता है यहाँ गया हो मैं दिखाना चाह रहा हूँ हो सकता है यहाँ से डेटा जा रहा हो है ना तो अभी चेक करते हेडर्स में ये हेडर है ना देखो यहाँ कहीं दिख रहा है डेटा जाता हुआ यहाँ भी नहीं है तो अब देखो क्या हुआ किसी को पता है क्या प्रॉब्लम है अभी तक सर no, no, शायद कहीं सेव नहीं करा रहे डेटा ना सेव नहीं करा रहे नहीं अब देखो क्या होता है आप में से किसी ने पाइथन पढ़ी है यस yes, सर पाइथन पढ़ी है रुको अभी तुमने पाइथन पढ़ी तो अच्छी बात है पाइथन पढ़ी है आपने उसमें एक डिक्शनरी नाम चीज नाम की चीज होती है यस सर सर की और वैल्यू सर। की और और वैल्यू वैल्यू ऐसे होते हैं की और वैल्यू ठीक है सबको पता ही बात पाइथन है सबने कि कुछ कुछ तो ने, ने, ने पढ़ी है ये पता पर अच्छा चलो मान लो पाइथन नहीं पढ़े कोई बात नहीं इतनी पढ़ी इतनी जरूरत है मुझे यहाँ पे अभी आपकी अगर आपको ये नहीं पता तो आपको जो इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी आपने देखी होगी या इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी देखी होगी ये तो देखी होंगी yes. yes, yes, उसमें भी कुछ ऐसा होता है वर्ड मीनिंग है ना यस yes, सर अच्छा ये बताओ ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे एक्स लिखा यहाँ पे एक्स लिखा यहाँ पे वाई और यहाँ पे जेड ऐसा हो सकता है डिक्शनरी के अंदर नहीं सर सर रिपीट नहीं की वैल्यू रिपीट की वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती ठीक है सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मान लीजिए यहाँ पे है तो एक्स एक्स वाई जेड ऐसा नहीं हो सकता ये चीज इंपॉर्टेंट बात है ये वाली ये वाली की शुड बी यूनिक ये बात खास है इसका मतलब ना तो ये चलेगा ना तो ये चलेगा होना कैसे चाहिए यहाँ पे लिखी मान लीजिए मैंने की ये लिखी वैल्यू तो ऐसा कुछ होना चाहिए एक्स वाई जेड जेड ये चलेगा, yes, sir, ये, चल ये, बताओ, चलेगा ये? Yes, ये चलेगा ठीक है क्योंकि मान लीजिए डिफरेंट वर्ड हैं लेकिन उनका मतलब सेम भी तो हो सकता है यस सर ठीक है तो ये की वैल्यू पेयर्स वाली चीज है जो डिक्शनरी की फॉर्म में दिखाते हैं हम पाइथन में ऐसे पाइथन की डिक्शनरी ऐसे बनाते हैं ठीक है ऐसे ही PHP में भी एक एसोसिएटिव एरे नाम की चीज होती है जो चीज आप पाइथन में बोल लो डिक्शनरी उसको यहाँ पे एसोसिएटिव एरे बोलते हैं PHP में तो वो भी की वैल्यू पेयर्स होते हैं राइट यस yes, सर तो जो आपका फॉर्म का डाटा जाता है जैसे ये फॉर्म मैंने अभी आपको दिखाया तो इसमें की वैल्यू पेयर में डेटा जाता है जैसे यूजर नेम पासवर्ड है तो यूजर नेम पासवर्ड आप ऐसे सेव कर सकते हो आपको क्या करना है कुछ की होंगी और कुछ वैल्यू होंगी जैसे अभी फर्स्ट केस के लिए हो सकता है की हो यूजर नेम और ये मैंने यूजर नेम रख लिया और एक दूसरी की है पासवर्ड जिसमें वैल्यू है वन टू थ्री ये हो सकता है ये हो हो सकता सकता है कि नहीं हो सकता? ये ये सकता है। हो सकता है, लेकिन मुझे ये कहा दिया मैंने ये दिया कहीं मैंने इस पेज में देखो जरा कहीं है दिख रहा है आपको कहीं दिख रहा है नो सर ये दिख रहा है जो ये नहीं चलेगा वो तो सिर्फ प्रिंट और ये तो सिर्फ प्रिंट और है ना तो ऐसा करते हैं मैं आपको बताता हूं क्या होता है एक नेम नाम की चीज देनी पड़ती है आपको इसमें ये नेम की बन जाती है ये नेम क्या बन जाता है नेम क्या बन जाता है की बन जाती है ठीक है अब इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार तो मैं इस पेज को दोबारा से ट्राई करता हूं यहां पे लिखता हूं अपना नाम यहाँ पे लिखता हूँ वन टू थ्री सबमिट करता हूँ दिख रहा है डाटा कहीं यस सर नीचे दिखा भी रहा है yes. देखो क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर डीपर तो पासवर्ड और ऊपर भी दिख रहा है दोनों जगह दिख रहा है ठीक है तो ये देखा मैंने यूजर नेम इक्वल टू दीपक और पासवर्ड इक्वल टू वन टू थ्री है ना अब ऐसा yes, करते हैं इसको हटा देते हैं इसकी जरूरत नहीं फिलहाल हमने ये देखा ये तो ये काम किससे हुआ गेट मेथड से अब इसको चेंज करते हैं पोस्ट मेथड करते हैं इसको पोस्ट मेथड में फिर से यहाँ पे नाम डालता हूं वन टू थ्री डालता हूँ सबमिट किया दिखा ऊपर डेटा जाता हुआ नो no, सर क्यों no, नहीं दिखा सर है ना तो सर तो यहाँ जाएगा ठीक है ये देखो फॉर्म का डेटा दिख रहा जाता हुआ दिखा कि दिखा yes, sir. तो यहाँ दिखा डेटा जाता हुआ पर ऊपर नहीं गया है ना तो गेट में ऊपर जाता है डेटा यहाँ पे यू पे लग के अब पोस्ट में क्या फॉर्म के अंदर जाती फॉर्म यहाँ मतलब एच हेडर के अंदर जाता है ये हेडर है ठीक है yes, sir. सर हम्म तो फिर हम इन्हें कब यूज कर सकते हैं गेट और पोस्ट को जैसे अभी मैंने गूगल पे सर्च करके दिखाया तो इसमें आपको लग रहा है कि ठीक है इतनी सिक्योरिटी की कोई बड़ी बात नहीं है है ना आप कुछ सर्च, सर्च करते हो उसमें कोई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है लेकिन जब मैं आपको मान लीजिए क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जैसे आप कुछ बाई करते हैं इंटरनेट से और आपने अपना अपना पासवर्ड डाला ठीक है या क्रेडिट कार्ड का आपने सीबीबी डाला क्रेडिट कार्ड का नंबर डाला अपनी पूरी डिटेल डाली तो उसमें क्या आप ऐसे ही डाल दो गूगल पे अगर डाल दिया तो फिर अगले दिन बिल आ जाएगा आप पे शॉपिंग कोई और कर रहा होगा ये तो, तो इसीलिए वो जो चीजें होंगी वो इस फॉर्म में नहीं जाएंगी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमेशा पोस्ट के थ्रू जाएगी इसीलिए पोस्ट का यूज होगा ठीक है ओके सर तो इस चीज का ध्यान रखना है लिखा हुआ है देखो कॉरेस्ट टू एचपी पोस्ट मेथड और इसने इसने भी W3, इसने भी W3 का लिंक दिया हुआ है। यहां पे जो लिंक दिया दिया हुआ दिख रहा है। in तो तो open, हुआ है है पे जो फॉर्म फॉर्म डेटा आर इंक्लूडेड इन बॉडी ऑफ़ आपको इसमें पोस्ट के बारे में पता चल जाएगा सर मैं यही जानना चाह रही हूँ कि ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी यूजर की जो मतलब आ, कि तो सारी इन्फॉर्मेशन सिक्योर ही रहनी चाहिए

वो सर्च हिस्ट्री एक्चुअली आपके पास अमेजोन के पास तो है लेकिन आपने कोई मान लीजिए कोई प्राइवेसी आई वो कह रहे हैं कि हम आपका डाटा जैसे आजकल व्हाट्सएप में आ रहा है व्हाट्सएप में एक अभी आया था ना कि आपका डाटा इधर उधर कर सकते हैं बेच सकते हैं अगर आप किसी कंपनी के साथ चैट कर रहे हैं तो बताया है कोई बात यस yes, सर अभी सिक्योरिटी का इतना बड़ा इशू हुआ था ना पूरा यस सर, डिले भी कर दी हाँ अब डिले कर दी ना तो एक्चुअली क्या है व्हाट्सएप ने ये बोला कि हम आपका डेटा शेयर कर सकते हैं, ठीक है लेकिन वो ये कभी नहीं बोल सकते या ऐसा नहीं कर सकते वो तो देखो आपकी चैट आप किसी से, से कंपनी से कर रहे हैं तो चलो मान लीजिए उन्होंने बोला कि हम इसको यूज कर सकते हैं और वो उसको बेच भी सकते हैं

लीगल नहीं है तो वो ज्यादा सिक्योर है ना या उसमें ज्यादा सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है जो आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन है कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो पब्लिक नहीं होनी चाहिए तो ये बात आई समझ में वैसे तो ये बात सही कर रही है कि भाई हर जगह सिक्योरिटी तो होनी चाहिए हम क्यों दे किसी को अपना डेटा लेकिन क्या ज्यादा कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है बिल्कुल उनको तो बिल्कुल भी नहीं जाना जै? चाहिए बात हाँ बोलो

जो आप डेटा फॉर्म बना रहे हैं ना जैसे आपने ये बनाया और इसको आप डेटा से लिंक कर दें और यूजर की अगर बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तो आप गेट का यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आपको कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए पूरी तरह से पोस्ट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा पहली बात तो ये है और बहुत सारी सिक्योरिटी और भी चीज़ों की होती है वो भी रखनी पड़ेगी जैसे एच का यूज नहीं करना है फिर फिर एच का यूज़ करना है ये भी तो चीज़ें होती है आप देखते हो ना जैसे गूगल लिखा हमने तो यहाँ पे क्या एच टी दिख रहा है ये देखो एस दिख रहा है ये और सिक्योर है अगर सिर्फ एच हो ये बाई डिफॉल्ट एच में कन्वर्ट कर दे देस में कन्वर्ट कर दे रहा है लेकिन होता क्या कई बार ये देखो यहाँ दिख रहा है ना कनेक्शन इज सिक्योर बहुत सारी आप वेबसाइट खोलते हैं उसमें आता है सिक्योर नहीं है क्योंकि वो एच का यूज कर रहा था वो आजकल ज्यादा सिक्योर नहीं है एच टी पे जाना है आपको कई वेबसाइट होती है ऐसी सारी वेबसाइट थोड़ा ना प्रोवाइड करती हैं जैसे मैं अपनी वेबसाइट खोल देता हूँ एच तो HTTPS ऐसे एक्चुअली एक सर्टिफिक, सर्टिफिकेट है जो आपको लेना पड़ता है राइट तो वो सर्टिफिकेट जब आप बाई करेंगे उसके लिए पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा तब एस मिलता है आपको आ रही बात समझ में yes, लगता है मेरा खुद का ही सर्वर डाउन हो गया मतलब मेरा तो नहीं है जहां पे मैंने इसको होस्ट किया हुआ है अगर मैं इसको ओपन करूं तो भी ओपन हो रहा है लगता है यहाँ पे एक बार खुल जाने दो ये देखो नोट सिक, नॉट सिक्योर आ रहा है ना यस सर सर आपकी वेबसाइट योर कनेक्शन टू दिस साइड इज नॉट सिक्योर वो इसलिए बता रहा है क्योंकि ये एच टी एस नहीं है ये सिर्फ एच टी टी पी है यहाँ से कॉपी करते में भी ये एच टी टी पी साथ में कॉपी कर ले देखो किया ना इसने कॉपी तो एच टी पी है तो इसीलिए वो कह रहे सिक्योर नहीं है अगर मैं गूगल ओपन करूं तो गूगल एच डी टी पी एस कॉपी करेगा साथ में क्योंकि एस है वो सिक्योर है तो ये एच डी टी पी एच टी पी और एच टी पी एस में डिफरेंस अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ ले पढ़ सकते हैं अभी हम फिलहाल अभी नहीं डिस्कस करेंगे बाद में डिस्कस कर सकते हैं कहीं इसको ठीक है बच्चों तो अभी तक कितना समझ में आया सबको नेम वाली बात समझ में आ गई कि नेम का क्या मतलब है तो नेम से क्या पता चल रहा है हमें जैसे तो मैंने यहाँ दिखाया था आपको हाँ उसकी की है एक्चुअली वो उस पर डेटा इसको रिफ्रेश करते हैं फिर से नाम डालता हूं ये देखो ये है वो की तो की इक्वल टू वैल्यू की इक्वल टू वैल्यू राइट यस yes, सर ठीक है एक तो ये बात रह गई अब दूसरा क्या है यहाँ पे कुछ मैसेज नहीं आ रहा है कि एंटर यूजर नेम एंटर पासवर्ड ऐसा कुछ नहीं आ रहा है मैं चाहता हूं वो भी आ जाए वो कैसे आएगा एक प्लेस होल्डर नाम की चीज होती है अब यहां पे ये लिखा हुआ आएगा ऐसे पासवर्ड में भी डाल देते हैं एंटर योर पासवर्ड रिफ्रेश करते हैं पेज को आ गया आगे बच्चों यस yes, सर तो इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर ये मतलब चीज कैसी है अगर मैं कुछ लिखना शुरू करूंगा तो अपना गायब हो जाएगा लेकिन वो यूजर को इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पे क्या एंटर करना है आपको आप तो प्लेस होल्डर से ये काम करते हैं आप प्लेस होल्डर से ये बात आई समझ में yes, अभी एक चीज और देखो जैसे मैंने ये सबमिट किया सबमिट हो जा रहा है लेकिन यूजर नेम और पासवर्ड एम टी आ रहे हैं तो इसको रोकना है हमें कैसे रोकेंगे सर रिक्वायर्ड यूज करके हाँ एक टैग एक एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड नाम का जो कि आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता है रिक्वायर्ड ये एच डी एम एल फाइव आपको दे रहा है प्रोवाइड कर रहा है अगर आप चाहते हैं कि इसको यूज ना करें तो आप जावास्क्रिप्ट का भी एक फंक्शन बना सकते हैं और उसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं ठीक है उसके थ्रू भी आप ये जो रिक्वायर्ड काम कर रहे हैं वही काम आप खुद कर सकते हैं पर अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लो अब अब जब मैं यहां पे तो तो ये बोलेगा तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा बिना कुछ भरे हुए ठीक है तो इसके तो कैसे सर एक और बार दिखाना कुछ भी नहीं इसमें तो लिखना है मैंने क्या कुछ किया सर रिक्वायर्ड लिखा था पर मैंने सबमिट वाला भी बनाया पर तब भी नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है यार सर एक और बार करूंगा तो प्लेस होल्डर भी सब डाला था मैंने कोई नहीं ठीक है।, है तो ये करना होता है सर ये मेथड और... नहीं लिखा था तो इससे कुछ होगा मेथड मेथड बाय डिफॉल्ट तो गेट हो ही जाएगा ना अगर मान लीजिए मैं इसको हटाता हूं चलो आपने पूछ लिया तो हटा देते हैं ठीक है ये हटा दिया मैंने अब ट्राई करते हैं देखो फिल करने को बोल रहा है ना अभी नाम डाल देता हूँ सबमिट करते हैं ये देखो बाय बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट आ गया तो, गेट तो है ही मतलब। लेकिन okay, क्रैरिटी के लिए हम okay. क्लैरिटी के लिए हम लिखेंगे इसको यहाँ पे okay, तो ये आगे समझ में तो अगली क्लास में हम yes, इसमें कुछ और चीजें कवर करेंगे जैसे रेडियो बटन चाहे तो आप तब तक खुद भी पढ़ सकते हैं सर सर आपने कहा था कि ये वाला में, है बस। हाँ, में तो है क्या डौक, डौक टाइम वो लिखने को बोला था अरे वो आजकल जो एडिटर है ना सारे स्मार्ट है ये खुद ही कर लेते हैं इतना काम हमारे लिए यूज कर रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं अभी तुम्हें दिखा देते हैं लो तुम्हारी सारी इच्छाएं और सारी क्वेरीज शांत की जाएंगी यू पेज शॉर्ट पे जाते हैं अच्छा यहाँ भी नहीं है बट उसको पता है कि आप यूज कर रहे हैं अगर आप यूज नहीं भी करेंगे तब भी उसे पता है नहीं तो वैसे एच टी एम एल फाइव एग्जाम्पल कोई भी एक उठा के देख लेते हैं तो सबसे पहले वो यूज कर रहा होगा जहां पे भी यूज करेगा मे बी पहले उठा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है ये वाली स्ट्रिंग तो ये लिखनी पड़ती है एच टी एम एल फाइव में लेकिन अगर आपने नहीं भी लिखी तब भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आप चाहो तो लिखनी है तो लिखो यहाँ पे लो डाल दी मैंने कॉपी करके कौन सा बड़ी बात है फर्क yes, नहीं पड़ता उससे मतलब उसको पता है एडिटर को और ब्राउजर को पता है कि एचटीएमएल यूज हो रहा होगा ठीक है yes, कोई क्वेश्चन अभी तक किसी को यहाँ पे नो सर ठीक है तो आप एच फॉर्म yes, के बारे में पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे एस फॉर्म के बारे में आज रेडियो बटन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रेडियो बटन और चेक बॉक्स पढ़ेंगे ड्रॉप डाउन पढ़ेंगे ये तीन चीजें अगली क्लास में तब तक आप चाहें तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं ठीक है yes, तो आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं अदरवाइज वाइंड अप करते हैं आपकी क्लास आज नो सर नो क्वेश्चन। चलो ठीक है मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ